समग्र शिक्षा सिद्धिपीठ तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 2 का 12वां पाठ आत्मविश्वास पृष्ठ संख्या 66 से 69 तक। पाठ 12 आत्मविश्वास पृष्ठ संख्या 67। रोहित पिछले साल छुट्टियां बिताने कश्मीर गया था। लौटते समय एक दुर्घटना में वह सुनने की शक्ति खो बैठा। वह खुद को लाचार महसूस करने लगा। वह उदास रहने लगा। एक दिन रोहित के पिता ने उसे कुछ किताबें देते हुए समझाया, तुम सुन नहीं पाते हो तो क्या हुआ, देख तो सकते हो। जीवन में कुछ बनना है तो खूब पढ़ो। एक दिन वह बगीचे में बैठा था। एक चिड़िया आकर पेड़ पर बैठ गई। वह एक रंग बिरंगी चिड़िया थी। रोहित ने उसे देखा। तब उसके मन में आया कि उस सुंदर चिड़िया का चित्र बनाए। रोहित ने तुरंत ही कॉपी पेंसिल निकाली और चिड़िया का चित्र बना डाला। उसे वह चित्र बहुत अच्छा लगा। एक दिन वह तश्तरी में रंग मिला रहा था। उसने पिता को दरवाजे पर खड़ा देखा। रोहित की रुचि को देखकर उसके पिताजी रंग ब्रश और सफेद कागज के बंडल ले आए। यह देखकर रोहित बहुत खुश हुआ। रोहित ने उसी क्षण तय कर लिया कि वह मेहनत से काम करेगा। वह जानता था कि चित्र बहुत सुंदर है तो देखने वाले उसे पसंद करते हैं। अब रोहित पूरी मेहनत से चित्रकारी में जुट गया। वह अपने आर्ट स्कूल में कला का अभ्यास तो करता ही था, घर पर अपने कमरे में भी चित्रों और रंगों से खेलता रहता था। उसने सैकड़ों चित्र बना डाले। लोग उसके चित्रों को देखते तो बहुत बड़ी प्रशंसा करते। उसके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगने लगी। इसमें देश भर से और विदेश से भी लोग उसके चित्रों को देखने आते थे। वे अच्छी कीमत देकर इन चित्रों को खरीदने भी लगे। सच है, प्रेरणा और आत्मविश्वास से सफलता मिलती है।